तो दोस्तों आखिर ऐसा कौन सा गाना पवनदीप राजन और अंतकांजी लाल ने अहमदाबाद में मिलकर गाया है जो कि लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए पवनदीप राजन और अंतकांजी लाल से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट और एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ गए हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पवनदीप राजन और अंतकांजी लाल ने अहमदाबाद के स्टेज पर कई गाने गाए जिनको वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया, लेकिन खबरों की माने तो कहा यह जा रहा है कि अहमदाबाद के लोगों ने एक गाना इतना ज्यादा पसंद किया है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों आखिर अहमदाबाद के लोगों को पवनदीप राजन और अंतकांजी लाल का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आया है, पूरी खबर बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अहमदाबाद के लोगों को पवनदीप राजन और अंतकांजी लाल का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पवनदीप राजन और अंतकांजी लाल ने अहमदाबाद के स्टेज पर कई गाने गाए जैसे ये शाम मस्तानी, मनवा लागे, पहला नशा और मेरे रश के कमर, लेकिन अहमदाबाद के लोगों को मेरे रश के कमर गाना इतना ज़्यादा पसंद आया है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताने की कहा यह जा रहा है कि मेरे रश के कमर गाना अहमदाबाद के लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया है कि हर कोई इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वह दोस्तों आपको ये खबर सुनकर कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमने एक पोस्ट भी डाला है जहाँ पर आप अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पर आप पहली बार आएँ तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन को।